आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। घाटशिला अनुमंडल के इकलौते सूर्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुरुवार को 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ कलश यात्रा एवं नगु भ्रमण से शुरू किया गया। इस सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित करने एवं मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए जमशेदपुर से राजस्थान निवासी पंडित पवन त्रिवेदी को बुलाया गया है। उनके सहयोगी के रूप में प्रखंड परिसर स्थित शिव मंदिर के पुजारी पंडित माया राम पांडे को रखा गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति आवाहन एवं पंचांग पूजा के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। उसके बाद स्थानीय महिलाओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर मंदिर परिसर में स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू की गई। शुक्रवार 30 अक्टूबर को मंडप पूजा, षोडश मातृका पूजा सुबह व रात्रि 8 से 10 बजे तक की जाएगी। रात्रि 10 बजे शयादिवास किया जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर को सूर्य नारायण का महाअभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूर्ण आहुति के बाद सामूहिक हवन एवं दोपहर में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भली भांति पालन करते हुए किया जा रहा है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बने अनुमंडल के पहले सूर्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 70 फीट है, जिसकी अनुमानित लागत 20 से 22 लाख रुपए बताई जा रही है। भगवान सूर्य की मूर्ति जयपुर से लाई गई है, जिसे 500 किलो के वियतनाम के मार्बल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इस प्रतिमा की लागत एवं लाने का खर्च 1,51,000 रुपए आया है, जिसे मां काली प्लाई सेंटर सुंदर नगर जमशेदपुर के व्यवसायी शुभम सेन ने अपने पिता स्वर्गीय सपन सेन की स्मृति में दान स्वरूप प्रदान किया है। मंदिर का सारा कार्य स्थानीय कलाकारों एवं मजदूरों द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की देखरेख में किया गया है। घाटशिला से कमलेश सिंह की रिपोर्ट।